सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाशोत्सव पर सितारगंज नगर में गुरु ग्रंथ साहिब की रहनुमाई व पांच प्यारों की अगुवाई में निकाला गया महानगर कीर्तन। महानगर कीर्तन में सैकड़ों सिख संगत व सिखों की महान हस्तियों ने लिया भाग। महानगर कीर्तन में आई संगत के स्वागत के लिए जगह जगह नगरवासियों ने बनाए थे तोरण द्वार। नगरवासियों ने जगह जगह चाय बूंदी छोले फल आदि के स्टॉल लगाकर किया प्रसाद संगत को वितरित। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में सितारगंज नगर में भव्य महानगर कीर्तन निकाला गया। महानगर कीर्तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब की रहनुमाई व पंच प्यारों की अगुवाई में रामलीला मैदान से जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के बोलों से आकाश गूंजमय होते हुए शुरू हुआ। महानगर कीर्तन में सबसे पहले बिबिया व वीरों द्वारा सड़क को पानी से धोते हुए झाड़ुओं से सफाई करते हुए चल रहे थे। उसके उपरांत फूल वर्षा करते हुए संगत चल रही थी। उसके बाद पंच प्यारे चल रहे थे व उसके पीछे श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी साहिब चल रही थी। उसके बाद सैकड़ों संगत अपने अपने वाहनों व पैदल कतारबंद होकर वाहे गुरु का जाप करती हुई चल रही थी। साथ ही स्कूली बच्चे कतारबंद होकर चल रहे थे। महानगर कीर्तन में गतका पार्टी द्वारा हैरत अंगेज कारनामे भी दिखाए गए। महानगर कीर्तन अमरिया चौक होते हुए बिस्टी चौराहा होते हुए महाराणा प्रताप चौक होते हुए मुख्य चौराहे होते हुए गुरुद्वारा कलगीधर सिंह सभा से समाप्त हुआ। इस बीच नगरवासियों द्वारा जगह जगह तोरण द्वार लगाकर संगत का स्वागत किया गया। साथ ही संगत को चाय बूंदी छोले व फल आदि का प्रसाद वितरित किया गया। आखिरी अरदास के साथ रामलीला मैदान में महानगर कीर्तन का समापन किया गया व उसके बाद संगत के गुरुद्वारे में माथा टेका तथा गुरु का लंगर छका। आइए आपको ले चलते हैं नगर कीर्तन की झांकी में, जहां उत्तराखंड ब्यूरो चीफ दीपक भरद्वाज जी जानते हैं इस ऐतिहासिक पल का आंखों देखा हाल। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ दीपक भरद्वाज। नमस्कार दीपक जी, बताइए सिखों के पर्व के बारे में, क्यों मनाया जाता है ये? सिखों का पर्व मैम, ये जो है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी है महाराज प्रभोत्सव नगर कीर्तन निकाला जाता है सितारगंज में जी। और इसमें जो है महानगर कीर्तन जगह जगह पे इसमें चाय बूंदी का जो प्रसाद वितरण किया जाता है। इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं इस पर्व में? इसमें मैम ये पूरे जो है मतलब जगह के सारे लोग, मतलब आसपास के गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और इसमें जो है जुलूस निकाला जाता है काफी लंबा। हर धर्म के लोग शामिल होते हैं जी मैम जी। और क्या रिपोर्ट है वहाँ की, कैसा हो रहा है पर्व? पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से महाराणा प्रताप चौक से होते हुए हमारे मुख्य चौराहे से होते हुए ये पीलीभीत चौराहे पर समाप्त होता है जी। काफी खुशनुमा माहौल होगा वहाँ का। बहुत खुशनुमा माहौल रहता है इसका जी। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ। नगर कीर्तन के रूप में मना रहे हैं, मैं सारी जनता को बहुत बहुत बधाई, महाशिवर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सेवा कर रहे चा की, लंगर की, प्रसाद की, जो भी सेवा सेवादारों को भी बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, देता हूँ, जो बढ़ चढ़ करके सेवा कर रहे हैं। मैं सारी सिंधु को बहुत बहुत बधाई देते हुए शुभकामनाएं देते हुए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।